हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या है पॉजिटिव पे और क्या अब आपको ये जो पुराने चेकबुक हैं ये सब खराब हो जाएंगी। और गाइज, ये जो नया सिस्टम आया है पॉजिटिव पे, तो क्या अब इस चेक में कुछ यूनिक आएगा या अलग अलग बैंकों के सब एक ही चेक हो जाएंगे? तो गाइज, बहुत सारे लोगों के डाउट हैं, सब क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। आनंद मास्टर जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन में ऑल बटन दबाएं, सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बात करते हैं, एक मेरे पास एक्सिस बैंक की बुक है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बुक है। तो गाइज, इसमें क्या अब अलग होने वाला है पॉजिटिव पे में, और गाइज कब तक ये लागू हो जाएगा, ये भी गाइज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा है। क्योंकि गाइज, अभी रिसेंटली आरबीआई ने अपनी न्यू गाइडलाइंस के अनुसार ये बताया कि अब पॉजिटिव पे नॉर्मली हर किसी बैंक के लिए एक अनिवार्य ऑप्शन होगा। जैसे कि गाइज, मैं किसी को भी चेक काट के देता हूँ 50,000 रुपए से ऊपर का, तो मुझे नॉर्मल पॉजिटिव पे से गुजरना पड़ेगा, अनदर वो चेक कभी विड्रॉल नहीं हो पाएगा। तो गाइज, सबसे पहले नॉर्मली आपको ये सभी चेक काट के दे देते हैं। जैसे कि मैंने 50,000 रुपए का किसी को चेक काट के दे दिया, तो गाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजिली दे देता हूँ और किसी बंदे ने बैंक में जाके वो जमा कर देता है। तो गाइज, वहां पे अब आएगा पॉजिटिव वेरिफिकेशन। पॉजिटिव वेरिफिकेशन मतलब यह है कि जो नॉर्मल चेक, गाइस कोई चेकबुक चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, जो चेकबुक है वही रहेगी, ना कोई बारकोड आएगा ना कुछ आएगा। क्योंकि गाइस, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कोई बारकोड स्कैन करना पड़ेगा मुझे, उसमें बताना पड़ेगी वैल्यू, तो गाइस वो कुछ नहीं आएगा। नॉर्मल आपको अपने चेक का फोटो खींच के बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा एंड वो फाइनली आपको पॉजिटिव वेरिफिकेशन क्लियर कर देगा। गाइस, पूरी डिटेल जो दी है मेरे प्रीवियस वीडियो में दी है, आपने वो नहीं देखी तो ये यहाँ पे लिंक आ रहा है, तो वहां पे देख सकते हैं। और गाइस, अब आती है कि कब तक लागू हो जाएगा। तो गाइस, इस चीज पे भी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, यार ये कब तक फाइनली लागू होगा। और ये गाइस अच्छी चीज है कि कह सकते हैं जो क्राइम है या स्कैम है, जो फ्रॉड के केस बढ़ रहे थे, तो गाइस अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएंगे इस चीज को लेके। क्योंकि अब इस पे चेक के ऊपर ओवर राइटिंग किसी तरीके से नहीं की जा सकती, और गाइस ये मैनुअली और कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट दोनों ही ये वर्क कर सकेंगे कि 80% से 90% तक मशीन अपने आप ही मिला लेगी, अदर कुछ डिफरेंस आता है तो गाइज मैन्युअली चेक किया जाएगा किसी चीज को। तो गाइज, ये है जो लागू होने वाली है स्कीम, वो 2021 मार्च 31 से लागू होगी, मार्च 31 2021 से लागू हो जाएगी। और गाइज, हर कोई बैंक अभी ये एप्लीकेशन डेवलप करने पे लगी हुई है कि हम लोगों के चेक लें और चेक का जो फोटो है, क्योंकि गाइज हर किसी का मोबाइल डिफरेंट होता है, हर किसी का मोबाइल अलग इमेज कैप्चर करता है, तो गाइज उस चीज को देखते हुए क्या मुझे बैंक में जाके चेक स्कैन करवाना पड़ेगा? तो गाइज कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली मोबाइल से फोटो खींचेंगे, जितनी भी क्लियरिटी आएगी, बस ये है कि जो फोटो है वो क्लियर होना चाहिए, जो शब्द हैं जो वर्ड्स हैं उसके अंदर लिखे हुए वो क्लियर दिखना चाहिए, यही बस रिकमेंडेशन है। अनदर मुझे स्कैन करवाने की कोई जरूरत नहीं है कि स्कैन करवाऊंगा तो और ज्यादा डिटेल शेयर होगी। तो गाइस, चेक की आपकी डिटेल कहीं शेयर नहीं होगी, सिर्फ बैंक के पास रहेगी, आप नॉर्मली फोटो खींच के अपलोड कर देते हैं। तो क्योंकि गाइस फ्रॉड केस इतने बढ़ रहे हैं रिलेटेड टू चेक बुक से लेके, कि हर कोई ओवरराइड कर देता है, 1-0 बढ़ा देता है, नीचे एडजस्ट कर देता है कि 1,000 2,000। तो गाइस उस चीज को देखते हुए फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया है कि अब पॉजिटिव वेरिफिकेशन के द्वारा आपका जो भी फ्रॉड हो रहा है चेक से रिलेटेड, अब कभी कुछ नहीं होगा, आप नॉर्मली आप इजिली नॉर्मल इन चेकों से भी, क्योंकि गाइस चेकबुक रीप्रिंट करना, उसमें बारकोड डालना, तो गाइस जो अब नए चेकबुक मिलेंगी उसमें कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको, जो कि गाइस बता सकता हूँ कि आपको शायद एक बारकोड मिल जाए और उसमें यही फीचर होगा कि आप किस हर चेक पे इंडिविजुअल बारकोड होगा, आपसे बैंक आपके अकाउंट डिटेल, आईएफएससी कोड, नाम। तो गाइस ये नॉर्मली है, रिकमेंडरी है, बट ये है कि अब बारकोड भी आएगा जो आप उस ऐप के द्वारा स्कैन कर पाएंगे, अनदर उसमें अमाउंट डाल के आप वेरीफाई भी करवा सकते हैं कि हाँ मैंने इस बंदे को जो चेक दिया है वो इतने अमाउंट का दिया है। तो गाइस उस पे धोखाधड़ी का केस कभी नहीं होगा, और बाद में आप चाहें कि हाँ यार ये चीज गलत है तो आपको फोटो भी क्लिक करके देना है, ये नहीं है कि आपको चेक सिर्फ स्कैन करके देना है। तो गाइस ये है कि आपके साइड से भी डबल वेरिफिकेशन होगा कि आप तो फ्रॉड नहीं कर रहे या दूसरा बंदा सही है, आपने फ्रॉड कर दिया, या ये होता है कि यार मैंने तो सही दिया था, उस बंदे ने वैल्यू बढ़ा के उसे रीयूज कर लिया चेक को। तो गाइस वो चीजें भी अब खत्म हो जाएंगी, और फाइनली पॉजिटिव वेरिफिकेशन आने के बाद बहुत ज्यादा यूनिक वे हो जाएगा चेक को रिलेटिव, और सिक्योरिटी तो गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, क्या आप जो नॉर्मली पेमेंट करते हैं तो आपको भी डर लगता होगा यार कोई सालों बढ़ा के ना पैसे लिख दे, तो उस चीज को देखते हुए तो गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझे पॉजिटिव वे में भेज सकते हैं कमेंट रिलेटेड टू पॉजिटिव पे, और आपकी जो नई राय हो तो गाइस भेजिएगा जरूर, क्योंकि कोई भी
गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी अभी राय ली जा रही है, क्योंकि ऐप अभी डेवलपिंग है। तो गाइस सारी बैंकों के लिए मैंडेटरी है कि अब आपको एक ऐसी ऐप डेवलप करना पड़ेगी जो कि गाइस चेकबुक का फोटो दे ले सके और अपलोड कर सके हर कोई ग्राहक, उसे कोई परेशानी नहीं हो। तो गाइस फाइनली अब पॉजिटिव पे आने के बाद बहुत ज्यादा सहूलियत बढ़ जाएगी सबकी। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।